प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची खरखोदा हलके में, जहां राजनीतिक जंग बाहरी और लोकल पर आ गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पूर्व विधायक पर भरोसा जताया है, तो भाजपा ने स्थानीय पवन खरखोदा पर मोहर लगाई है। इसी चुनावी माहौल के बीच हमारी टीम पहुंची पवन खरखोदा के कार्यक्रमों के दौरान गाँव मंडोरा में, जहाँ पर पवन खरखोदा का लोगों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान गांव के सरपंच ने पवन खरखोदा को गांव से भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पवन खरखोदा ने कहा कि आप लोगों ने मुझे मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। ये एक महायज्ञ है और आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है, समर्थन किया है, इस महायज्ञ में जो आप लोगों ने आहुति डालने का काम किया है, मैं जो आप लोगों ने मुझे मान सम्मान की सूचक ये पगड़ी पहनाने का काम किया है, ये भत्तू का कुर्ता आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देगा। बुजुर्ग और साथियों, अपना कौन है ये अपने और पराये की पहचान करने का समय है। अपना वो है जो अपनों के सुख दुख में साथ खड़ा रहता हो, सुख में बेशक ना आए लेकिन दुख में साथ खड़ा रहना होना चाहिए। आपके बीच में सभी पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे, आपने उनसे पूछने का काम करना है कि भाई आज आप वोट तो हमारे मांगने आ गए, लेकिन 5 साल अगर हमारे गांव में कोई सुख में दुख में कभी आए हो तो बताओ। लेकिन मैं परमात्मा से डर के ये कह सकता हूं कि आपके मंडोरा हो चाहे मंडोरी हो, 500 बार मैं आपके गांव में आया हूं बुजुर्गों साथियों, जब भी मेरे को पता चला है दुख में, हर दुख में शामिल हुआ वहां के नहीं हुआ मुझे हुआ। एक भी व्यक्ति ये बता सकता है कि कौन कर बोला यहां पे नहीं आया, तो भाई मैं आप लोगों का कसूरवार हूं। इस दौरान पवन ने मौजूदा विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसे आप लोगों ने चुनकर भेजा, उनके पास करोड़ों का बजट होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाए। संवैधानिक पद जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, जिसको हमने 15 साल खरखोदा की कुर्सी पर सत्तासीन किया हुआ है, जिसको ग्रांट मिलती है, चाहे वो सरकार का MLA हो चाहे ना हो, हर MLA को समान भाव से रूप से ग्रांट मिलती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी के साथ गलत नहीं करती। और मैं एक चीज दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जब जब केंद्र में जिसकी सरकार बनी है, हरियाणा में उस पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनी है, इतिहास गवाह है बुजुर्ग और साथियों। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ भाई कि ये लास्ट मौका है हमें अपने खरखोदा हल्के के लोगों के पास, उसके बाद फिर आप लोगों का कोई वाले वारिस नहीं है। मैं परसों देख रहा था कि कांग्रेस की भी लिस्ट आई है 31 प्रत्याशियों की, और जहां तक खरखोदा की बात है तो 54 प्रत्याशी थे वहां पे खरखोदा से, जो जिन्होंने नामांकन किया था, और 53 आपके हलके के थे और एक प्रत्याशी बाहर का था जो 15 साल से सत्ता की कुर्सी पे सत्तासीन है। क्या वो 53 प्रत्याशियों के साथ अन्याय नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, किया कि नहीं किया जी? तो क्या हमारे खरखोदा हल्के में मेरे मंडोरा गांव में एक भी मां ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो आपकी आवाज विधानसभा में चंडीगढ़ में पहुंचा सके? बुजुर्गों साथियों, मैं आप लोगों से हिसाब न्याय मांगने आया हूं, और हिसाब तो 15 साल का आप लोगों ने, जब आपके बीच में मौजूदा विधायक आए तो आप लोगों ने 15 साल का उसे हिसाब मांगने का काम करना है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाली 5 तारीख को आपने कमल के निशान पर मोहर लगाकर अपने भाई अपने बेटे को कामयाब करना है। सेकंड आप लोगों ने केवल वो कमल का बटन दबाना है, और वो कमल का बटन आपके खरखोदे हल्के की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है बुजुर्ग साथियों। क्योंकि 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को आपके बेटे का जन्मदिन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब 8 अक्टूबर को इसकी मतगणना का रिजल्ट आए, आपकी गिनती का रिजल्ट आए, तो वह आपका आशीर्वाद विजय श्री के रूप में मुझे मिले, मैं ऐसी आप लोगों से आशीर्वाद और प्रार्थना करने आया हूँ। कार्यक्रम के उपरांत जगत महान न्यूज से बात करते हुए पवन खरखोदा ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है खरखोदा हलका में। हमारे साथ मौजूद हैं खरखोदा हलका के निवासी और भाजपा के प्रत्याशी पवन खरखोदा जी। क्या कहना चाहेंगे आप, लगातार कई गाँव में आज का आपका दौरा था, भरपूर आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहें? देखिए, जब 36 बिरादरी के लोगों का साथ और समर्थन होता है, उसके सामने फिर विपक्षियों का कोई वजूद नहीं रहता। और ये पवन खरखोदा का चुनाव नहीं है, ये मेरे मंडोरा गांव का, मेरे 36 बिरादरी के, मेरे खरखोदे हल्के के लोगों का चुनाव है। और जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। और ये 15 साल का जो सूखा यहाँ से है कि यहाँ से अपना स्थानीय कोई विधायक नहीं बन पाया है, उसको हम सब मिलकर दूर करेंगे। और 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगी तो वो रिजल्ट 5 तारीख को ही आपका डिक्लेयर हो जाएगा। बेशक
आपका रिजल्ट 8 तारीख को आए जी। बाहरी का मुद्दा जो है खरखोदा में ज्यादा देखने को मिल रहा है जी जी। कि आपकी बार फिर से एक बाहरी को टिकट दे दिया गया है, तो क्या आपकी बार कुछ इतिहास रचने वाला है, क्या लग रहा है आपको, लोगों का जो आप लोगों से मिल रहे हैं किस तरह के विचार आपको सामने? देखिए, लोगों में एक गुस्सा है इस चीज को लेकर कि भैया जब 50 लोग किसी काम के लिए मेहनत करते हैं और फिर वो स्थानीय होते हुए भी उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती, वो मान सम्मान नहीं दिया जाता, तो मेरे ख्याल से मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं कि आपके बेटे की पक्ष में इतनी हवा चली हुई है कि शायद एक तरफा आपका चुनाव आज के दिन में ये कह सकता हूँ। और निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पहली बार खिलने जा रहा है जी। आप लगातार जो है आज निशा दहिया और जो है धर्मवीर नैन वो जो है हल्के के मेडल जीत के लाए हैं, हल्के का नाम रोशन किया है, उन्हें भी आप आशीर्वाद दे के आए हैं, क्या कहेंगे बाकी? देखिए, ये हरियाणा की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है, वीरों की धरती है, पहलवानों की धरती है, और जब किसी भी क्षेत्र में कोई पहलवान या हमारा खिलाड़ी कोई मेडल लाता है या किसी खेल में आगे बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करता है, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे तिरंगे का मान ऊंचा करता है जी। आज महिलाओं ने भी आपका जो है मान सम्मान किया जी, है। बीजेपी के साथ वैसे महिलाएं हमेशा से रहती आई हैं, लेकिन आज आपका सभा में देखा गया है कि यहाँ सम्मान करती नजर आई, क्या कहेंगे महिलाओं के बारे? देखिए, जो मातृशक्ति है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में 3 माँ होती है, एक हमारी धरती माँ, दूसरी हमारी जो जन्म देती है वो माँ, और तीसरी जिस पार्टी के साथ जिस संगठन के साथ आप जुड़े हुए हैं वो माँ। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे 3 माँओं का आशीर्वाद प्राप्त है, और अब की बार निश्चित रूप से इन माताओं के आश्रवाद से आपका भाई विजय श्री होने जा रहा है जी। कब नामांकन भरने वाले हैं और कौन कौन उसमें शामिल होंगे, क्या हल्के की जनता भी पूरा भारी संख्या में उस दिन? देखिए, चुनाव पवन खरखोदा का नहीं है, चुनाव मेरे 58 गाँव का है, मेरे खरखोदा शहर का है, और मेरे को ऐसा विश्वास है कि आज तक इतने लोग किसी के नामांकन में नहीं गए होंगे। और जहां तक नामांकन भरवाने के लिए जो हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, और तमाम हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष या हमारे जिलाध्यक्ष, और हमारे तमाम वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित करने का काम किया है। अब भारी बनाम जो है लोकल का चुनाव बन गया है, ऐसे में आप हल्के की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हल्के की जनता बाहर के व्यक्ति से त्रस्त है, क्योंकि हल्के के लोगों को अपना आदमी चाहिए जो उनके सुख में दुख में उनके साथ खड़ा मिले, और मुझे कहने की जरूरत नहीं कि भी उनके सुख दुख में कौन साथ खड़ा मिलता है। तो इसलिए अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारी को भगाना है, अपने भाई अपने बेटे को खरखोदा से MLA बनाना है जी। तो दर्शकों, ये थे जगत महान न्यूज के साथ पवन खरखोदा, जो कह रहे हैं कि अब की बार पूरा हल्का जो है इनके साथ खड़ा है, और बाहरी बनाम लोकल के अनुसार लोकल को अपने बेटे को जो है अब की बार यहाँ से भारी मतों से जिताकर आगे भेजने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह का माहौल रहेगा। जगत महान न्यूज के लिए बंडोरा गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।